हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ स्टील पेरिस लिपस्टिक के बारे में। ये एक जेल लिपस्टिक है और पहले भी मैंने अभी रिसेंटली इसका वीडियो डाला था, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो गाइस, मैंने यूट्यूब पे इसकी जब मैंने वीडियोज़ देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी लिपस्टिक होगी, बट मैं आपको यहाँ पर इसका रियल रिव्यू देने जा रही हूँ कि ये लिपस्टिक कैसी है। और किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया है, मतलब इसका खुलासा नहीं किया है। तो आप भी अगर मीशो पे स्टील पेरिस की लिपस्टिक देख रहे हैं जेल वाली, तो उसको ख़रीदने से पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने स्टील पेरिस की जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, वो मैंने लिपस्टिक परचेज़ की थी मीशो से। और ये जो लिपस्टिक है, मुझे 194 में दो लिपस्टिक मिली थी और मैं मतलब बहुत खुश थी कि मैं ये लिपस्टिक ले रही हूँ। तो मैंने ये लिपस्टिक परचेज़ की, तो मेरे पास जब आई तो ये मेरे कुछ इस तरीके की थी, तो मुझे अच्छी लगी, ठीक है। और मैंने ये रख भी ली, क्योंकि दिक्कत क्या थी कि ये स्टील पेरिस कंपनी की नहीं थी, जैसा उसमें शो किया गया था वैसी लिपस्टिक ये नहीं है। तो मैंने बाद में जब रिव्यू देखे, रिव्यू मैंने पहले भी देखा था परचेज़ करने से पहले, बट मैंने पिक्चर्स नहीं देखी, बस मैंने लिखा कि हाँ अच्छी लिपस्टिक है ये वो। बट मैंने जब लेने के बाद उसके रिव्यू देखे, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि हमें भी ये लिपस्टिक इस MM कंपनी की प्राप्त हुई है। तो ये स्टील पेरिस की लिपस्टिक नहीं भेजते हैं, और मैंने सोचा कि चलो रख लेते हैं, कोई नहीं, 194 में दो लिपस्टिक मिली है। तो इसको मैंने जब यूज़ करना शुरू किया तो मुझे कोई इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि जो लिपस्टिक है जेल टाइप में है और कुछ इस तरीके की आती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है देखने में ना। तो मेरा भी मन था कि मैं ऐसी लिपस्टिक परचेज़ करूं, तो मैंने ये दोनों लिपस्टिक ली थी। तो जब मैंने इनको यूज़ किया, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ रेगुलर, तो ये लॉन्ग स्टे बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि 20 वाली लिपस्टिक आती है एक ग्रीन कलर की, जो लिप्स लगा के पिंक हो जाता है, उससे तो ये मतलब बिल्कुल बेटर नहीं है। वो लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे कम से कम 6-7 घंटे तक आपके लिप्स पिंक रहते हैं। बट ये लिपस्टिक मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी, मतलब मुझे 15-20 मिनट हुए होंगे और मेरे लिप्स पे से ये हट चुकी है, ठीक है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये कैसा लुक देता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ग्लॉसी लुक देता है आपके लिप्स पे ये, और हल्का सा पिंक करता है, बट इतना पिंक भी नहीं करता है। तो ये जो डेली वेयर में लिपस्टिक आप लगाते हैं, उसके लिए मैंने ये परचेज़ की थी। बट ये लिपस्टिक मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, और 194 में मुझे लगता है 20 वाली लिपस्टिक इससे बेटर है। और मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। और ये स्टील पेरिस की जो लिपस्टिक मैंने इसलिए परचेज़ की थी, क्योंकि मेरे पास स्टील पेरिस का एक आई शेडो पैलेट है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो पैलेट बहुत ही अच्छा है और उससे एक अलग ही लुक आती है जब मैं उसको आइस पे अप्लाई करती हूँ। बट ये जो स्टील पेरिस की मुझे नहीं मिली, कोई MM कंपनी है, तो ये तो हम कहीं भी ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको उसको परचेज़ नहीं करना चाहिए, और अगर परचेज़ करते हैं आपके पास आ जाती है, तो उसको एक्सचेंज कर दीजिए। मैंने देखा नहीं कि एक्सचेंज का उसमें है या नहीं, मैंने इसका बिल भी फेंक दिया था, तो मैं इसको बाद में पछताई कि मुझे बदल देनी चाहिए थी। तो कोई नहीं, अगर आप इसको परचेज़ करें तो पहले सोच समझ के परचेज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।